ओं गणपतये नमः 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 नाचत नाचत आले गणपति नाचत नाचत आले गणपति गागुर्या वाजती पाई गागुर्या वाजती पाई गागुर्या वाजती अंगी शेंदुराची पुटी अंगी शेंदुराची पुटी माथा शोभत से किरीटी माथा शोभत से किरीटी केशर कस्तूरी ललाटी केशर कस्तूरी ललाटी हाथी मोदकांची वाटी हाथी मोदकांची वाटी पाई गागुर्या वाजती पाई गागुर्या वाजती पाई गागुर्या वाजती तुका म्हणे पाही पाही तुका म्हणे पाही पाही विठ्ठल गणपती तुझा नाही विठ्ठल गणपती तुझा नाही तुझा नाही तुझा नाही पाई गागुर्या वाजती पाई गागुर्या वाजती पाई गागुर्या वाजती जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। आज कितना शुभ दिन है, आषाढ़ मास की एकादशी। कितनी खुशी का दिन है आज। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि आज के दिन पांडुरंग के भक्त जनों के बारे में सुनाने का अवसर मिल रहा है। सब गीतों का एक ही संदेश है, नामस्मरण और प्रेम। नामस्मरण की महिमा तो अपार है। सभी संत कहते हैं भगवान से प्रेम करो और भगवान का भजन करो। आप लोगों ने नामदेव के घर काम करने वाली जनाबाई के बारे में सुना है। एक अभंग में उसने उन संतों की गाथा गाई है जो उसी काल में थे। भगवान नाम में डूबी हुई जनाबाई जब आटा पीसने बैठती तो भजनों के सुर उसके सुरीले गले से गूंज उठते। चक्की चलाने का अर्थ जानते हो? चक्की के दो पत्थर कर्म और भक्ति हैं। नीचे वाला कर्म और ऊपर वाला भक्ति है। चक्की की मूठ ज्ञान है। आदमी को तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता जब तक वो अपनी इच्छा प्रवृत्ति और पापों को पीस नहीं देता, सत्व रजस और तमोगुण का निचोड़ नहीं निकाल लेता और अहंकार से छुटकारा नहीं पा लेता। ठहरो, एक बात मेरी समझ में आई है। यदि मनुष्य ज्ञान रूपी मूठ को मजबूती से पकड़कर चक्की के मध्य की ओर बढ़े, इसका अर्थ है अंदर की ओर ध्यान लगा दे, तो वो संसार की माया से स्वयं को बचा सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जानते हो जब जनाबाई चक्की पीसने बैठती तो क्या होता था? भगवान कृष्ण उसके सामने आकर बैठ जाते। और कहते, तुम केवल मूठ पर हाथ रख दो और चक्की चलाने का नाटक करो। चक्की मैं चलाऊंगा, बस तुम मेरे लिए भजन गाती रहो। जनाबाई पलिकेनू
जनाबाई नुडिवेनु जनाबाई चेप्पेनु मा तंड्री विठला संतान विठला संबरमू सलिपेनु तनयुलतोनु तनभतुलतोनु भुजमु मीद निवृत्ति चेहि पट्टि सोपानुडु ज्ञानेश्वरुडु भुजमु मीद निवृत्ति चेहि पट्टि सोपानुडु मुंदु नडिचे ज्ञानेश्वरुडु वेनुका सुंदरि मुक्ताबाई सुंदरि मुक्ताबाई तोड मीद गोरा कुंभरुडु सममुगा तुमने सुना उसने निवृत्ति ज्ञानेश्वर सोपान और मुक्ताबाई को अपने प्रिय संबंधी कहा है। क्या तुमने ज्ञानेश्वर और भैंसे की कहानी सुनी है? ज्ञानेश्वर और भैंसा, ये क्या कह रहे हो? सुनो सुनो, सुनाता हूँ। एक दिन तीनों भाई और उनकी बहन पैठन के ब्राह्मणों से बातें कर रहे थे। वहीं उनके पास एक भैंसा आ गया। ज्ञानेश्वर ने कहा, मुझे अपने और इस भैंसे में कोई फर्क नजर नहीं आता। हर प्राणी में एक ही आत्मा है। सर्वव्यापी चक्रधारी भगवान हर प्राणी में एक सा ही है। एक ब्राह्मण ने कहा, यदि आपकी ऐसी धारणा है तो इस भैंसे को वेदों का उच्चारण करने को कहिए। ज्ञानेश्वर ने उसी समय भैंसे के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा, वेद का उच्चारण करके इन ब्राह्मणों की शंका दूर करें। तभी भैंसा श्लोक बोलने लगा। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् ओतारम् रत्नधातमम् कमाल है भैंसा और वेदों का उच्चारण, चमत्कार है ये। भगवान क्या नहीं कर सकते। अच्छा ये तो बता, ये वही ज्ञानेश्वर है जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी? हाँ वही ज्ञानेश्वरी भगवत गीता की मराठी टिप्पणी है, ताकि वो लोग जो संस्कृत नहीं जानते गीता का ज्ञान हासिल कर सकें। ज्ञानेश्वरी का एक श्लोक सुने।
पै वैकुंठी मी गानसे वेळे एकुही भानुबिंबी ही न दिसे वरी योगियांची ही माणसे सांडुनी जाए परीतया पासी पांडवा मी हरपला दिवसावा जेथ नाम घोषु बरवा करिती माझा मैंने तो सुना है ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई आदि माया का अवतार थी। ये सत्य है, वो किसी तरह भी अपने तीनों भाइयों से कम नहीं थी। निजानंद दिखाए वैकुंठ तो स्पष्ट नाम से प्रकट हमें हुए मुक्ताई कहे ये संसार से जीवन मुक्त हमें हरि भव सागर से पार करावे हमें हरि भव सागर से पार करावे हरि निज दास को पावे हरि निज दास को पावे हरि निज दास को पावे पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि जय जय 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 पांडुरंग हरि
पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। कितना महान प्रांत है ये महाराष्ट्र। न केवल यहाँ महान संत हुए, यहाँ राजा भी ऐसे ही महान थे। राजा? हाँ, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज। जानते हो महाराज शिवाजी पर किसका असर था? किसका? समर्थ रामदास का। शिवाजी उन्हीं के शिष्य थे। समर्थ रामदास ने मनाचे श्लोक नाम की एक रचना की है जिसमें वेदों और शास्त्रों का सार है। प्रभाते मनि राम चिंतित जावा पुढे वैखरी राम आदि वदावा सदाचार हा थोर सांडू न येतो जनी तो चितो मानवी धन्य होतो श्री राम जय जय रामा 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 जय जय रघुवीर समर्थ। इसी तरह शेख मोहम्मद भी एक महान राजा थे, मुसलमान थे पर विठ्ठल के भक्त थे। वे मानते थे कि हर धर्म के लोग एक ही भगवान की संतान हैं। साधु संत फकीर राजा ने सब है ते बोल मन अल्लाह मालिक बोल मन हरि नाम कोई बोले हरे हरे कोई बोले राम राम कोई बोले दुर्गा काली कोई बोले देवी माँ कोई बोले नारायण अल्लाह बिस्मिल्लाह कोई बोले नानक बुद्ध महावीरा साधु संत फकीर राजा ने सब है तेरो नाम बोल मन अल्लाह मालिक बोल मन हरि नाम। समर्थ रामदास के समय ही संत तुकाराम भी थे। हाँ, वही तुकाराम जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस शरीर के साथ ही वैकुंठ चले गए। आप लोग जानते हैं विठोबा के प्रति उनकी भक्ति कैसी थी। एक दिन तुकाराम मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, तभी एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी आकर कीर्तन सुनने लगा। उस आदमी का लड़का बहुत बीमार था, फिर भी वो उसे अपनी पत्नी के पास छोड़कर कीर्तन में आया था। थोड़ा समय ही गुजरा होगा कि लड़का मर गया।
उसकी पत्नी रोते हुए पुत्र की लाश उठाए मंदिर में आई। वो रो रो कर चिल्लाने लगी, बंद करो ये कीर्तन, तुम हमें सुख देने के स्थान पर कष्ट दे रहे हो। मेरा पति बीमार पुत्र को घर छोड़कर यहाँ कीर्तन में आ गया, इसीलिए मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। हमारे लिए हरि नाम का कोई महत्व नहीं, यदि तुम्हारे लिए है तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो। मंदिर में इकट्ठे भक्तों की भीड़ ने उस स्त्री को समझाया कि तुकाराम के पास कोई अमृत नहीं है, किंतु तुकाराम जी ने भक्तों को टोका और कहा कि भगवान नाम की महिमा के सामने अमृत भी कुछ नहीं। वो सबके साथ विट्ठल विट्ठल भजने लगे। देखो मृत बालक जी उठा। तुकाराम जी ने ये साबित कर दिया कि भगवान नाम उच्चारण से बड़ी कोई भी शय इस संसार में नहीं है। कासे पीतांबर तुषार गड़ा कासे पीतांबर कासे पीतांबर आवड़े निरंतर हे चिद्यान आवड़े निरंतर हे चिद्यान सुंदर ते ध्यान उभे विटे वरी उभे विटे वरी सुंदर ते ध्यान उभे विटे वरी उभे विटे वरी मकर कुंडल तळपति श्रवणी मकर कुंडल तळपति श्रवणी कंठी कौस्तुभ मणि विराजित मणि विराजित कंठी कौस्तुभ मणि विराजित मणि विराजित तुका मणे माझे हेची सर्व सुख तुका मणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्री मुख आवडीने पाहिन श्री मुख आवडीने सुंदर ते ध्यान उभे विटे वरी उभे विटे वरी सुंदर ते ध्यान उभे विटे वरी उभे विटे वरी सुंदर ते ध्यान उभे विटे वरी उभे विटे वरी। सचमुच ये संत भगवान के सच्चे सेवक थे, किंतु अपने प्यार और भक्ति से इन्होंने भगवान को ऐसा जकड़ लिया कि भगवान इनके सेवक बन गए। क्या कहते हो, तीनों लोकों का स्वामी भक्तों का सेवक? हाँ,
संत एकनाथ के बारे में सुना है? वही एकनाथ जो संत जनार्दन के शिष्य थे? हाँ। सेवक, एकनाथ क्या कह रहे हो? स्वयं भगवान कृष्ण भक्त एकनाथ के घर में दास बनकर रहे, ये कह रहा हूँ। भगवान कृष्ण और दास? और एकनाथ जी कहते थे कि पंढरपुर उनका माहेर है। माहेर यानी मायका, माँ का घर। माझे माहेर पंढरे, माझे माहेर पंढरे, आहे भीवर चातरे, आहे भीवर चातरे, आहे भीवर चातरे। बाप आणी आई, बाप आणी आई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई। माझे माहेर पंढरे, आहे धीवरे चातरे, आहे धीवरे चातरे, आहे धीवरे चातरे। एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण, करी माहेरची आठवण, करी माहेरची आठवण, करी माहेरची आठवण। माझे माहेर पंढरे, आहे धीवरे चातरे, आहे धीवरे चातरे, आहे धीवरे चातरे। राम कृष्ण गोविंद, 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 राम कृष्ण गोविंद। भगवान कृष्ण न केवल दास ही बने, एक भक्त के लिए उन्हें एक खंभे से भी बांध दिया गया। कई तकलीफें उठाई उन्होंने अपने इस भक्त के लिए। अच्छा, कौन था ये भक्त? सकुबाई नाम था उसका। सकुबाई की सास ने उसे एक खंभे से बांध दिया ताकि वो पंढरपुर भगवान के दर्शनों के लिए न जा सके। सकुबाई ने दुखी होकर मदद के लिए भगवान को पुकारा। चेरमदी
कहलाड़े कृष्णा पांडुरंगा नी पदमुलु पट परुगेत्तिराना कृष्णा पाही कृष्णा पांडुरंगा कानरावा कमनीय कृष्णा पाही कृष्णा परमात्म कृष्णा कृष्णा विठला विठला हरि विठला 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 हरि विठला पांडुरंगा पंडरीनाथा पांडुरंगा पंडरीनाथा पाहि कृष्णा परमात्मा कृष्णा विठला विठला हरि विठला पांडुरंगा पंडरीनाथा पांडुरंगा पंडरीनाथा पाहि कृष्णा परमात्मा कृष्णा 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 पाहि कृष्णा परमात्मा कृष्णा। सखुभाई का रूप धारण करके स्वयं भगवान ने उनका स्थान ले लिया। इसी से पता चलता है कि भगवान कितने दयालु हैं। आप लोग गोरा कुम्हार के बारे में कुछ जानते हैं? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला? हाँ, वो भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था। राम कृष्ण हरि नाम सदा उसके होठों पर रहता। यदि कोई उसके बनाए हुए बर्तन को बजाकर देखता तो नाद ब्रह्म का स्वर सुनाई देता। गोरा कुम्हार ने कोई प्रण किया था किंतु अनजाने में उस प्रण को निभा न सका। अपने आप को सजा देने के लिए उसने अपने दोनों हाथ काट लिए। एक आषाढ़ एकादशी के दिन गोरा कुम्हार भगवान की पूजा के लिए पंढरपुर आया। उस दिन मंदिर में नामदेव जी भजन कीर्तन कर रहे थे। गोरा भी भजन में बैठ गया। खाली लोटांगण बंदी न चरण डोया ने पाही न रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूज न भावे ओवारी न मने नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण आश्चर्य, भगवान ने गोरा को अपने हाथ लौटा दिए।
ऐसी है भगवान की लीला, भगवान की दया अपने भक्तों पर। अब आगे की कथा सुनो। गोरा कुंभार ने नामदेव आदि सब संतों को अपने घर आमंत्रित किया। निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, नामदेव, सवतामाली और अन्य संत महात्मा गोरा के घर आए। ज्ञानेश्वर ने गोरा से कहा, सब बर्तन यहां तुम्हारे सामने हैं। जो कच्चे हैं उन्हें पक्के हुए बर्तन से अलग कर दो। गोरा ने थापी उठाई और हर संत के सर पर धीरे धीरे ठोकने लगा। जब नामदेव की बारी आई तो वो चिल्लाया, बंद करो ये, मेरे सिर को क्यों ठोक रहे हो? गोरा ने कहा, ये बर्तन कच्चा है। ये सुनकर सब संत हंसने लगे और मुक्ता तो सबसे ज्यादा। इस पर नामदेव दुखी होकर पांडुरंग की ओर चल दिया। जानते हो, नामदेव और विट्ठल में एक बड़ा प्यारा और अजीब सा रिश्ता था। वो दो मित्रों की तरह थे। जब नामदेव भजन गाता तो विट्ठल ईंट पर खड़े खड़े नाचने लगते। हाँ, तो गोरा कुम्हार के घर से नामदेव विट्ठल के पास गए। नामदेव ने विट्ठल से शिकायत की कि सब संत उसे कच्चा घड़ा कहकर हंस रहे हैं। विट्ठल ने कहा, इसमें झूठ क्या है? जिसका कोई गुरु नहीं है उसे कच्चा ही तो कहा जाता है, वो पक्का हो ही नहीं सकता। प्रभु, मुझे गुरु की आवश्यकता ही क्या है, जब आप साक्षात भगवान कृष्ण मेरे इतने नजदीक हैं, तो मेरी आत्मा किसी बंधन में कैसे बन सकती है? सुनो नामा, राम अवतार में मैं गुरु वशिष्ठ के पास गया और कृष्ण अवतार में मैं गुरु सांदीपनी के पास। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो सब संत तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। प्रभु, आपके होते हुए मैं किसके पास जाऊं? विसोबा खेचर के पास, जो इस समय शिवजी के मंदिर में विश्राम कर रहे हैं। देखो भगवान की लीला, तीनों लोकों के स्वामी अपने प्रिय भक्त को एक सद्गुरु के पास भेज रहे हैं। नामदेव जब मंदिर पहुंचे तो विसोबा खेचर को शिवलिंग पर पांव रखकर सोते हुए पाया। नामदेव ने उन्हें जगाकर कहा, शिवलिंग पर पांव रखकर आप कैसे सो सकते हैं? विसोबा खेचर ने कहा, सचमुच मुझसे भूल हो गई, कृपया मेरे पांव उस तरफ कर दो जिधर शिवजी नहीं है। मेरा शरीर बहुत कमजोर है, मुझ में उठने की भी शक्ति नहीं है। नामदेव ने उनके पांव उठाकर दूसरी तरफ किए तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव हैरान था, वो जिधर पांव रखता वहां उसे शिवलिंग दिखाई देता। पूरा मंदिर उसे एक शिवलिंग और विसोबा उसे साक्षात शिवजी दिखाई देने लगे। यहां तक कि जब नामदेव ने अपने आप को देखा तो स्वयं को भी शिवजी के रूप में पाया। मुझे कोई जगह ऐसी दिखाई नहीं देती जहां भगवान ना हो। मैं तो केवल संत ज्ञानेश्वर का दास हूं, उनके चरणों में ही मेरी भक्ति है। आपके श्री चरणों की पूजा ही मुझे मेरी मुक्ति की ओर ले जाएगी। विसोबा ने उसे आशीर्वाद दिया और तभी नामदेव ने देखा कि विसोबा कोई और नहीं साक्षात विट्ठल हैं। नामदेव के मन से द्वैत का एहसास मिट गया।
कुछ समय बाद विठल आए और बोले, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे मिलने मंदिर नहीं आते? प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं और मेरे मन रूपी कमल में रहते हैं। नामदेव के उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान विठल ने वहां उपस्थित सब संतों से कहा कि अब कोई नामदेव को कच्चा न कहे। हो विठले भक्त जन वत्सले, भक्त जन वत्सले, ये हो विठले भक्त जन वत्सले, करुणा कल्लोए करुणा कल्लोए, पांडुरंगे पांडुरंगे भक्त जन वत्सले, भक्त जन वत्सले, ये हो विठले भक्त जन वत्सले, ए भक्त जन वत्सले। सजल जल दघन पीतांबर परिधान, सजल जल दघन पीतांबर परिधान, ये उद्धरणे ये उद्धरणे, केशिराजे केशिराजे भक्त जन वत्सले, भक्त जन वत्सले, ये हो विठले भक्त जन वत्सले, भक्त जन वत्सले, नमा म्हणे तू विश्वाची जननी, नमा म्हणे तू विश्वाची जननी, शिराब्दी निवासिनी जगदंबे, शिराब्दी निवासिनी जगदंबे, भक्त जन वत्सले, भक्त जन वत्सले, हो विठले पांडुरंग 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 पांडुरंग। अपने भक्तों के साथ भगवान विठल को नाचते हुए देखकर तुम्हें ये नहीं लगता कि ये कोई सपना है? यहाँ हम भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और सूत्रधार स्वयं शक में उलझ गया है। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि वो तो संत महात्मा थे, क्या भगवान तुम्हारे मेरे जैसे लोगों के साथ भी ऐसा वर्ताव करेंगे? शक करने वाले कभी ऊपर नहीं उठ सकते। तुम जानते हो, आज के इस युग में भी ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? तुम सचमुच मुझे पाना चाहते हो? तो मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। रखुमाई बिठो बर कुमाई,
विठ्ठल रखुमाई विठोब रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठोब रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठोब रखुमाई परती माझे पंढरपूर साई माझी 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 रखुमाई कुंडलिक वरदा पांडुरंगा हरे विठ्ठला जय पुंडलिक वरदा पांडुरंगा हरे विठ्ठला जय जय पुंडलिक वरदा पांडुरंगा हरे विठ्ठला जय जय पुंडलिक वरदा पांडुरंगा हरे विठ्ठला Viṭṭala, 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 Jai Jai Viṭṭala.